हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी बैश में। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छी कंटेंट वाली फिल्म सिर्फ नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ही देख सकते हैं तो शायद आप सब गलत होंगे, क्योंकि आजकल कहीं से भी अच्छी कंटेंट वाली फिल्म बन सकती है। जी दोस्तों, और इस बात का यकीन आपको हो जाएगा हला हल नाम की मूवी को देखकर, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट से, जो कि शायद आप जानते होंगे व्यापम स्कैम के नाम से। फ्रेंड्स, ये मूवी 21 सितंबर को हीरोज नाउ पर हिंदी में रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इस मूवी के शुरुआती सीन में ही दिखाया जाता है कि एक लड़की के पीछे एक लड़की भाग रही होती है और उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं। अब पहले ही सीन में उस लड़की की मौत हो जाती है दोस्तों ट्रक के नीचे आने से, और वो गुंडे जो उसके पीछे पड़े होते हैं उससे जला भी देते हैं। अब उस लड़की की बॉडी मिलती है कई दिन के बाद, और जब उसके पिता जो कि एक डॉक्टर होते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, जिससे कि पुलिस सुसाइड का केस बना रही होती है। अब क्योंकि वो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, तो उनकी बेटी की मौत की रीजन ढूंढने में जी जान लगा देते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करते हैं दोस्तों एक पुलिस ऑफिसर वरुण सोबती, जिन्हें आप टीवी सीरियल से शायद जानते होंगे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है दोस्तों कि उनकी बेटी का आशीष नाम के लड़के के साथ अफेयर था, और बाद में पता चलता है दोस्तों कि उनकी बेटी के पोस्टमार्टम में भी काफी छेड़खानी हुई है। उसके अलावा उनकी बेटी के अकाउंट में 12 लाख रुपए होते हैं दोस्तों, जो कि काफी बड़ी रकम है एक स्टूडेंट के हिसाब से। पर फ्रेंड्स, कहानी में असली मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि आशीष के पास एक पेन ड्राइव होता है जो कि रिलेटेड होता है काफी बड़ी स्कैम से, और उस पेन ड्राइव को पाने के लिए कुछ लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। अब दोस्तों, वो पेन ड्राइव में होता क्या है और उस लड़की के अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए और आशीष कहां पर होता है, ऐसे ही कई और सारे मिस्ट्रीज का खुलासा होगा इस मूवी की एंड में। दोस्तों, हमें तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। कोई भी बॉलीवुड की अननेसेसरी म्यूजिक तो आपको देखने को नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन कई सारे सस्पेंस ट्विस्ट और अच्छी एक्टिंग के साथ छोटे मोटे कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एंडिंग तो कल्पना से बाहर ही है फ्रेंड्स, जो कि आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे, और यही बात इस मूवी को खास बनाती है दोस्तों। इसके अलावा इस मूवी की एक छोटी सी लाइन शेयर करना चाहूंगा जो कि दिल को छू जाती है दोस्तों, और वो ये है, ये दुनिया सूरज के पीछे नहीं पैसों के पीछे घूमता है। इसे हम 8.5 रेटिंग देते हैं कमाल की एक्टिंग और कंटिन्यूस सस्पेंस के लिए। हाँ, बीच में शायद 15 मिनट आपको थोड़े बोर लगे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी कंटेंट के दीवाने हैं तो इसे जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आई होगी। आगे के और अच्छे वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब जरूर करें।